मैं नौसेना के वीर अस्पताल में अपने बेजान पैरों के साथ बेहोश लेटा रहता था, जहां मुझे उड़ान भरने के ख्वाब दिखाई देने लगे। मेगास हुए ऑडियंस से खफा, क्या फैंस को नहीं पसंद आया ट्रेलर? दोस्तों, इस बात से तो हम सभी भली भांति वाकिफ है कि सिनेमा इंडस्ट्री में कोई भी चीज सीक्रेट नहीं रह सकती। चाहे डायरेक्टर्स और फिल्म मेकर्स किसी भी प्रोजेक्ट की डिटेल्स कितनी भी छुपा के क्यों ना रखें, लेकिन डिजिटल मीडिया की पावर इतनी ज़्यादा है कि वो किसी ना किसी तरह से ऑडियंस के सामने आ ही जाती है। और कुछ ऐसा ही हुआ हमारी अपकमिंग मूवी अवतार 2 के साथ। वेल हेलो दोस्तों, बॉलीग्राड स्टूडियो से मैं हूँ मासूमी और आज हम बात करेंगे 2022 की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवीज अवतार 2 के बारे में। दोस्तों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हाल ही में ऑर्गेनाइज हुए सिनेमा कॉन में अवतार 2 का एक्सक्लूसिव ट्रेलर दिखाया गया, जो कि ऑनलाइन ऑडियंस के लिए 6 मई को रिलीज होने वाला है। लेकिन दोस्तों, पता नहीं कैसे सोशल मीडिया के जरिए ये ट्रेलर ऑनलाइन लीक हो गया। लेकिन जल्द ही मेकर्स के सेंटिमेंट्स को और उनकी रिस्पेक्ट करते हुए इस ट्रेलर को हर जगह से डिलीट कर दिया गया। लेकिन दोस्तों, सोशल मीडिया की ताकत तो आप जानते ही हैं ना, इतने से समय में ही लाखों यूजर्स ने इस ट्रेलर को देख लिया। अब दोस्तों, इससे भी ज़्यादा हैरानी वाली बात तो ये है कि जितने भी यूजर्स ने इस ट्रेलर को देखा, किसी ने भी इस ट्रेलर की ज़्यादा तारीफ नहीं की। जब सभी से इस बारे में फीडबैक लिया गया तो उनका कहना था कि ये ट्रेलर विजुअली काफ़ी स्टनिंग था, खूबसूरती की इसमें कोई भी कमी नहीं थी, लेकिन इट वॉज नॉट अपीलिंग टू द ऑडियंस। यानी कि उनका कहना था कि ट्रेलर में कुछ भी ऐसा नहीं था जो कि आई कैचिंग हो और जो कि ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करे, जिससे कि ये मूवी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बने। अब दोस्तों, ये सीन कुछ टाइगर श्रॉफ जैसा हो गया। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि टाइगर श्रॉफ बॉलीवुड में अपने एक्शन सीन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा जाने जाते हैं और शुरू की एक या दो मूवीज़ में उनके एक्शन सीन्स को ऑडियंस ने काफ़ी ज़्यादा प्यार किया। लेकिन जैसे जैसे उनकी मूवीज़ आगे बढ़ने लगी, ऑडियंस उनकी इन फिल्मों को ही क्रिटिसाइज़ करने लगी कि उनकी मूवीज़ में सिर्फ एक्शन होता है और उनकी फिल्मों में कोई धमाकेदार या इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन और कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक इसी तरह से अवतार 2 में भी ऑडियंस को ऐसा ही लग रहा है कि अवतार पार्ट 1 में वो ये खूबसूरती और ये स्टनिंग विजुअल्स ऑलरेडी विटनेस कर चुके हैं और इसीलिए ये सब उनके लिए एक आम बात हो गई है और वो इस ट्रेलर से कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेक्ट कर रहे थे। स्टोरी लाइन, कॉन्सेप्ट और प्लॉट से रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग बातें एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऐसा ना होने की वजह से वो काफ़ी निराश हो गए हैं। वेल दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि क्या मूवी में कुछ इंटरेस्टिंग होगा या नहीं, या फिर मेकर्स ने ये सब इसलिए किया ताकि वो फिल्म के अपना सस्पेंस बरकरार रख सके। दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है? क्या आपको लगता है कि मूवी ट्रेलर की इस बुरी परफॉर्मेंस को सप्रेस कर देगी या फिर मूवी से ये बैड एक्सपीरियंस और भी ज़्यादा बुरा हो जाएगा? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज़ को। आपसे जल्द ही दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।